आज का विषय है परागण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम कि परागण क्या होता है। तो परागण किस में पाया जाता है? तो परागण पाया जाता है पुष्पों में, है ना। परागण की क्रिया किस में होती है? तो पुष्प में परागण की क्रिया होती है। अब ये परागण क्या होता है? तो पुष्प के पराग कोष से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, है ना। पुष्प के पराग कोष से पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। यही क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो इस चित्र से हम देखते हैं ये क्या है, वर्तिकाग्र है, और ये क्या होता है, पराग कोष होता है, यानी कि ये पुतंतु है। तो इसी पराग कोष से पराग कणों का यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुँचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, पॉलिनेशन, ठीक है। अब परागण, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब परागण के प्रकार देखते हैं। अब परागण के प्रकार हैं तो परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, तो परागण के ये दो प्रकार होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जो परागण की क्रिया होती है, है ना, वह एक ही पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प वर्तिकाग्र तक पर पहुंचना, है ना। स्वपरागण में क्या होता है कि एक ही पुष्पों में या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प में, मतलब इसमें दूसरे पौधे में परागण की क्रिया नहीं होती, है ना। उसी पौधे में या तो उसी पुष्प पर या उसी पौधे के किसी दूसरे, उसी जाति के दूसरे पुष्प पर क्या होता है, जो पराग कण होते हैं उसका वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। ये क्या होता है? सेल्फ, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो इसमें परागण की क्रिया होती है वो स्वयं के द्वारा होती है, इसमें कोई भी माध्यम या कोई भी पक्षी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं के द्वारा होता है। स्वयं के द्वारा इसलिए होता है क्योंकि यह उसी पौधे में या उसी पुष्प पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर होता है, इसलिए इसको स्वपरागण बोला जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं परपरागण। तो परपरागण में क्या होगा कि यह इसमें माध्यम की आवश्यकता होगी, ये किसी माध्यम के द्वारा होगा। क्यों? क्योंकि पर का मतलब होता है कि दूसरे में पॉलिनेशन होगा, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब पराग कण किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, पहुंचता है, तब उसको बोलते हैं परपरागण। परपरागण ये इसको इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, मतलब इसमें जो परागण की क्रिया होगी वो किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर
होती है। अब एक पौधे से दूसरे पुष्प में परागकणों को ले जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए परपरागण दूसरे के माध्यम से होता है और जो स्वपरागण होता है वह सेल्फ मतलब स्वयं के द्वारा होता है, क्योंकि यह उसी पौधों में परागण की क्रिया होती है। तो ये है परागण के प्रकार। अब हम आगे देखेंगे कि स्वपरागण के लिए पौधों या पुष्पों में क्या क्या अनुकूलता होनी चाहिए। तो ये है स्वपरागण के अनुकूलता, मतलब पुष्पों में स्वपरागण के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्वपरागण जिन पुष्पों में होता है ना, उसमें क्या होना चाहिए कि वह पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। स्वपरागण करने वाले पुष्पों में सबसे पहला क्या होना चाहिए कि वह द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी का मतलब है कि उसमें नर और मादा दोनों अंग होने चाहिए, तभी स्वपरागण की क्रिया होगी। दूसरा अनुकूलता क्या होगी कि जो पुष्प हैं है ना, वो समकालीन परिपक्व हो। समकालीन परिपक्व मतलब एक ही समय में क्या होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए। मतलब जो नर और मादा अंग दोनों क्या होने चाहिए, एक ही समय में परिपक्व होंगे, और एक ही समय में परिपक्व होंगे तभी उनमें स्वपरागण की क्रिया होगी। यदि एक ही समय में परिपक्व नहीं होंगे तब क्या होगा, जैसे कि नर अंग पहले से परिपक्व हो जाएगा। अब नर अंग क्या है तो परागकोष। अब परागकोष यदि परिपक्व हो गया, अब उसमें से परागकण क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब तक जो मादा अंग है ना, तो वो परिपक्व नहीं होगा, तो उसके वर्तिकाग्र क्या होंगे, मैच्योर नहीं होंगे, तो परागकण उसमें जा नहीं पाएगा। इसीलिए स्वपरागण के लिए क्या होना चाहिए, समकालीन परिपक्व होना चाहिए। फिर तीसरा अनुकूलन क्या होना चाहिए कि जो स्वपरागण करने वाले पुष्प होते हैं वो आकर्षणहीन होते हैं। मतलब वो अगर सुंदर नहीं भी दिखेंगे तो भी उनमें क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया हो जाएगी। अब स्वपरागण के लिए पुष्पों का आकर्षण होना ज़रूरी नहीं है। चौथा है कि उसमें मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है ना। पुष्पों में क्या होता है कि जो उसके वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिकाग्र का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, चिपचिपा होता है। तो वो चिपचिपा क्या चीज़ की वजह से होता है, तो उसमें मकरंद वर्तिकाग्र पर होता है, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो स्वपरागण के लिए मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये मकरंद जो है उसको जो मधुमक्खियां होती हैं या जो भी कीट पतंगे होते हैं वो ये मीठे होते हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं, वो सेवन करते हैं, और सेवन करने के कारण से जो पराग कण होते हैं है ना, वो वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो स्वपरागण के लिए मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरा देखते हैं कि परपरागण के लिए पुष्पों में क्या क्या अनुकूलता होनी चाहिए। तो स्वपरागण में हमने क्या देखा था कि वह द्विलिंगी होना चाहिए, मतलब उसमें नर और मादा दोनों होने चाहिए। लेकिन परपरागण में क्या होता है कि जो परागकण होते हैं वो किसी दूसरे पौधे पर जाते हैं, तो पुष्पों को क्या होना चाहिए, एकलिंगी होना चाहिए। मतलब या तो वो पुष्प नर हो या तो वो पुष्प क्या हो, मादा हो, तभी उसमें परपरागण की क्रिया होगी। दूसरा क्या होना चाहिए कि बंधन युक्त होना चाहिए। बंधन युति का मतलब होता है कि बाधा। यदि एक ही पुष्प में यदि परागण की क्रिया हो जाएगी तो वह परपरागण नहीं कहलाएगा, वो क्या कहला जाएगा, स्वपरागण कहला जाएगा। इसीलिए जो परपरागण वाले पुष्प होते हैं उसमें क्या होनी चाहिए, बंधन युक्त होना चाहिए। तीसरा होता है कि वह भिन्न काल में परिपक्व हो। भिन्न काल में परिपक्व हो मतलब जो नर होते हैं या यदि मादा पुष्प होंगे है ना, तो उनका जो मैच्योर होने का समय होता है ना, वो क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। अब यदि अगर एक ही
यदि पुष्प में नर और मादा दोनों हैं, है ना, तो यदि वो अलग अलग समय में परिपक्व होंगे तो उसमें कौन सा परागण हो सकता है? पर परागण। इसीलिए भिन्न काल में वो क्या होने चाहिए? परिपक्व होने चाहिए। समकालीन परिपक्व में क्या होता है? स्वपरागण की क्रिया होती है, लेकिन भिन्न काल परिपक्व में क्या होगा? पर परागण की क्रिया होगी। मतलब जो परागकोश हैं और जो अंडाशय है ना, वो अलग अलग समय में परिपक्व होंगे, तभी पर परागण की क्रिया कंप्लीट होगी। और क्या अनुकूलता होनी चाहिए? कि विषम वर्तिकाग्र। इसका मतलब है कि जो पुंकेसर व स्त्री केसर, है ना, पुष्पों में क्या क्या होता है? पुंकेसर ये नर भाग होता है, और क्या होता है? स्त्री केसर ये मादा भाग होता है। तो वो दोनों का आकार क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए, आकार भिन्न होना चाहिए। यदि एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर है तो उसके आकार क्या होने चाहिए? भिन्न होंगे, और आकार भिन्न होने के कारण उनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाएगी, है ना, तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? पर परागण। तो पर परागण के लिए पुष्पों में ये भी होना चाहिए, कौन सी क्रिया? तो पुंकेसर और स्त्री केसर का आकार भिन्न होना चाहिए। पाँचवा अनुकूलन क्या होना चाहिए? कि पुष्पों का आकर्षण होना चाहिए, पुष्प आकर्षित हो। जब पुष्प आकर्षित होंगे तभी जो कीट पतंगे हैं वो उन पुष्पों में जाएंगे और उस पुष्पों से जो बैठेंगे, तब यदि उनमें से जो पराग कण हैं वो मैच्योर होकर जब बाहर आ रहेंगे तो वह उनके शरीर में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद ही वो क्या होगा कि जो भी कीट पतंगे हैं वो दूसरे पौधों के पुष्प में जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो पराग कण हैं वो दूसरे पुष्प में जाएंगे। तो पर परागण के लिए पुष्पों का क्या होना चाहिए? आकर्षित होना चाहिए, मतलब पुष्प सुंदर होंगे तभी उसमें कीट पतंगे क्या होंगे? बैठेंगे। लास्ट अनुकूलन क्या होना चाहिए? कि उनमें मकरंद का निर्माण हो, मकरंद का निर्माण हो। जब तक किसी पुष्प में मकरंद नहीं होगा तब तक उसमें कीट पतंगे नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो इसी को शक करने के लिए ही क्या करते हैं, वो पुष्पों में बैठते हैं, और यही उनका क्या होता है? भोजन होता है, क्योंकि ये मीठे होते हैं। तो पर परागण के लिए पुष्पों में क्या होना चाहिए? मकरंद उपस्थित होना चाहिए, तभी पर परागण की क्रिया होगी। तो इस प्रकार से ये क्या था, परागण के लिए पुष्पों में क्या क्या अनुकूलता होनी चाहिए, है ना। तो ये परागण क्या होता है? कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण की क्रिया कहलाती है। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण पर परागण। इसमें क्या होता है कि एक ही पुष्पों में या एक ही पौधे के पुष्पों में परागण की क्रिया होती है। पर परागण में क्या होता है कि इसमें अलग अलग पौधों में परागण की क्रिया होती है। अब इसके लिए क्या क्या अनुकूलता होनी चाहिए वो ये है। तो इस प्रकार से ये क्या था, परागण की क्रिया थी।